दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्लेमिश यानी कि चेहरे पर दाग, धब्बे या झाई, मुहासा हो जाता है जो कि समय के साथ लोग बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे लोगों के ऊपर बोझ बढ़ता है, चिंताएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे लोग झाई मुहासों के शिकार हो जाते हैं, या ऐसा कहिए कि उनके पूरे चेहरे की रंगत को बिगाड़ करके रख देता है। यहाँ तक कि ये जो एरिया है आंखों के नीचे पूरा ब्लैक करके हो जाता है, या किसी किसी का, या जो आंख के नीचे जो पार्ट है यहाँ पर भी देखेंगे तो गोल चकते के रूप में और झाइया यानी ब्लैक करके हो जाता है। तो इसको हम होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक करेंगे, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और जब ये हो जाता है या जिसको हो जाता है वह थोड़ी परेशान से लगने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं, कहाँ ट्रीटमेंट लूं, कौन सा ट्रीटमेंट लूं, कैसे इसको ठीक करूं। मतलब कि कहीं यदि शादी ब्याह या समाज में कहीं जाना होता है तो लोग घबरा जाते हैं कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो आज मैं इसको होम्योपैथ में बहुत ही कम खर्चे में आप कैसे ठीक कर पाएंगे, आज मैं इसी पर इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी को। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो YouTube पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, ये जो ब्लेमिश, चेहरे पर दाग, मुहासे, छाइयां हैं, इससे संबंधित आज हम आप लोगों को चार होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। वैसे सिम्टम के अनुसार इसके अलावा भी और कुछ मेडिसिन निकल करके सामने आ सकता है, लेकिन मैं आज केवल चार मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। पहला मेडिसिन का नाम है कोलोफाइलम। कोलोफाइलम का लक्षण यह है कि वैसी महिला जिसका मासिक धर्म जो है बिल्कुल अनियमित चलता है, समय से नहीं आता है, या फिर उसकी गर्भाशय से कोई जुड़ी हुई समस्या हो, यानी कि मिला जुला करके देखा जाए तो उनकी बच्चेदानी से या गर्भाशय यूटेरस से मिली कोई भी समस्या हो, यदि वैसे स्थिति में जैसे कि मासिक को ले लिया जाए तो 10 दिन पर ही चले आना, या फिर 1.5 माह पर आना, या जब आता है तो बहुत काफी मात्रा में ब्लड आता है। तो वैसे स्थिति में यदि है तो क्लोफाइलम यदि मेडिसिन लिया जाए तो गर्भाशय के प्रॉब्लम के साथ साथ जो उनके साथ में चेहरे पर छाइयां, मुहासे निकल करके आता है, ये तो ठीक होगा ही होगा, साथ में ये भी सब ठीक हो जाता है। दूसरा मेडिसिन है सीमिसिफुगा। सीमिसिफुगा का लक्षण यह है कि ऐसी महिला जो बिल्कुल ही यंग है, जवान है, और वैसी स्थिति में उसके शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेज आते हैं, और उसके वजह से यदि उसके चेहरे पर छाइयां, मुहासा या पिंपल निकल करके आते हैं और उनकी चेहरे की रंगत को बिल्कुल ही खराब यानी कि बिगाड़ करके रख देते हैं, तो ये जो हार्मोनल चेंजेज आते हैं वैसे स्थिति में ये सीमिसिफुगा होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो हार्मोनल स्थिति को सुधारने के साथ ही चेहरे पर जो छाइयां, मुहासे हैं वह भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब तीसरा मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का लक्षण यह है कि यदि कोई आपके लीवर की समस्या चल रहा है, यदि जो भी आप खाना खाते हैं वह सही से हजम नहीं होता है, या उसको आप पचा नहीं पाते हैं, या
फिर लैट्रिन बार बार जाते हैं, यानी कि जो आपकी लीवर की समस्या है बढ़ती जा रही है या बढ़ी हुई है, वैसी स्थिति में उसके कारण को लेकर के आप थोड़ा चिंतित रहते हैं। वैसी स्थिति में छाइया मुहासा यहाँ ब्लैक ब्लैक करके हो जाता है, तो यदि लाइकोपेडियम होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो आपकी लीवर की समस्या के साथ साथ जो चेहरे पर छाइया मुहासे निकल करके आता है ये सब बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब दोस्तों हम चौथी मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं आपको, तो चौथी मेडिसिन जो है सिपिया है। यह वैसी विवाहित महिला जिसका मासिक धर्म जो है समय से नहीं आता है, या आता भी है तो ब्लडिंग ज्यादा होता है या कम होता है, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि गर्भाशय से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या उसे लगा ही रहता है, जैसे कि लिकोरिया बराबर आता रहता है, या फिर गर्भाशय में सूजन आ गया हो, या फिर जो उस महिला का बच्चेदानी है बार बार खिसक करके नीचे चला आता है, या उसकी जो चेस्ट है उसमें दर्द होता है, तो वैसी जो समस्या है और इस स्थिति में वह जो महिला है बिल्कुल अपने समस्या को लेकर के चिंतित रहती है और उसके कारण से चेहरे पर छाइया मुहासे या आंखों के नीचे में काले काले घेरे बन जाते हैं, यदि वैसे स्थिति में इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है तो ये जो लिकोरिया या बच्चेदानी का नीचे खिसकना ये सब ठीक हो जाता है। तो साथ ही साथ ये सारे चेहरे के जो झाइया मुहासा है या सब भी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। तो क्लोफाइलम 3x दिन में 4 बार 4 टैबलेट सुषुम पानी के साथ में लेंगे। सिमिसी फुगा या लाइकोपोडियम या फिर सिफिया सिम्टम के अनुसार, कैसे सिम्टम है कितना उसके अनुसार पावर लेना है ये तो रोग देखने के बाद ही पता चलता है कि कितनी पावर में लिया जा सकता है। वैसे 30 पावर में 3 बूंद की मात्रा में सुबह दोपहर शाम यदि लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि इसी से आपको बिल्कुल ही आराम मिल जाए। तो दोस्तों यह रहा औषधि की डोजे, यदि 30 पावर में आराम नहीं मिलता है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से परामर्श लेकर के इस पावर को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ब्लेमिश के बारे में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस न हो। तो दोस्तों यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछना, मैं उसका जवाब भी आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।